of students are online. Please, in section, how many of you are online? Please tell me how many number of students are online. Please tell me how many number of students are online. Student, are you getting me? कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है? हेलो, हेलो, क्या कोई ऑनलाइन है? क्या कोई स्टूडेंट ऑनलाइन है? एनीबडी गेटिंग ऑडियो वीडियो? क्या मैं लाइव हूं? ये मुझे शो तो कर रहा, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, गेटिंग स्ट्रीम्स, ओके। क्या कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन आया हुआ है? वेयर आर 10th स्टूडेंट? 10th स्टूडेंट, 10th student, where are you? हेलो गाइज, क्या कोई ऑनलाइन है? आई एम वेटिंग। कहाँ गए सभी लोग? आर यू गेटिंग माई वॉइस? This is not a good response from you guys. You guys are not taking the class seriously. Only one student present, Sanjana. Where are other students? Sanjana, do you have any idea about other student? Sanjana, do you have any idea about any other student? वॉइस क्लियर है संजना? पारस इज ऑल्सो ऑनलाइन। पारस, वॉइस क्लियर है? पारस, वॉइस क्लियर है? Are you getting my voice, Paras?
विजुअल्स कहते हैं, क्लियर है विजुअल्स। वी आर गेटिंग योर प्रॉपर वॉइस। विजुअल कैसा है पारस? स्टार्ट करें लेक्चर। स्टार्ट करें। चलो ओके, आई एम गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। ठीक है बच्चों, चलो आज फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है। वी आर गोइंग टू कवर, और कल इस हफ्ते रखते हैं फिजिक्स, अगले हफ्ते करेंगे केमिस्ट्री स्टार्ट। आज मैं फिजिक्स का पूरा थ्योरी पूरा कर दूंगा। हमारा जो डोमेस्टिक वायरिंग है वो इस साल हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करूंगा। बाकी एक टॉपिक मेरा उससे पहले रह गया है, उस टॉपिक को मैं आगे कंप्लीट करूंगा। फिर जो चीज मेरी बची है डोमेस्टिक वायरिंग वाली, उसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम आज ये फिजिक्स का टॉपिक ओवर करेंगे। कल मैं तुम्हारे डाउट लूंगा, क्वेश्चन के डाउट लूंगा, तुम मुझे कमेंट में पेज नंबर बताओगे और क्वेश्चन नंबर बताओगे। आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑनलाइन। ठीक है, आज सारा इसका थ्योरी कवर कर लेंगे, कल इसके सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे जितने भी क्वेश्चंस में तुम्हें डाउट होगा। ओके स्टूडेंट, चलो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमने टॉपिक में बहुत ज्यादा चीजें कंप्लीट कर ली। जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय टू कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें पता है क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी तक हमने देखा, जब हम एक वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे थे तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो रहा था। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन में ये देखा कि अगर मैं वायर को मूव ना करके मैग्नेट को कॉइल के अंदर भार करूं तो उसको अंदर भार करने के वजह से भी कॉइल में मेरा क्या हो रहा था, एक करंट इंड्यूस हो रहा था। इसको हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया था। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही वाले हैं, लेकिन बच्चों दो कॉइल की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे दो कॉइल की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देख सकते हैं, कैसे एक कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, ये करंट इसलिए इंड्यूस हो रहा है, अगर ये एक चीज है, अगर कभी भी तुम एक कॉइल में करंट को चेंज करोगे तो दूसरी कॉइल में करंट अपने आप इंड्यूस होगा।
अगर मैंने एक कॉइल के पास में दूसरी कॉइल रखी है, लेट अस सपोज दैट मैंने क्या कर रखा, एक कॉइल है, एक कॉइल के पास में अगर मैंने दूसरी कॉइल रखी हुई है, ये मेरी एक कॉइल है, अगर इस कॉइल में मैंने इस कॉइल के पास में एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, तो इस कॉइल में अपने तो दूसरी कॉइल में इस कॉइल में अगर मैं कुछ चेंज करूं, इस कॉइल में अगर मैं करंट को चेंज करूं और इसके पास मैंने अगर दूसरी कॉइल रखी है, तो इस कॉइल में अपने आप एक करंट इंड्यूस होगा। इसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आज, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। इस चीज को पढ़ने के लिए मैंने क्या क्या ले रखा है वो चीज देखते हैं। मैंने दो सर्किट ले रखे हैं। एक पहले सर्किट में मैंने एक कॉइल ले रखी है, इस कॉइल को मैं नाम देता हूं कॉइल ए। पहले सर्किट में क्या करा मैंने, दो कॉइल ले रखी है। पहले में कौन सी कॉइल ले रखी है, कॉइल ए ले रखी है। दूसरे वाले में ले रखी है मैंने एक और कॉइल ले रखी है, कॉइल बी नाम दे देता हूं। ये कॉइल ए है, ये कॉइल बी है। इस कॉइल ए में बैटरी लगी हुई है, इस कॉइल ए में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी के साथ एक स्विच कनेक्टेड है। बैटरी के साथ क्या कनेक्टेड है बच्चों, एक स्विच कनेक्टेड है। देखो ये मेरा एक सर्किट बन गया। दूसरे वाले सर्किट में मेरे पास एक कॉइल है, एक गैल्वेनोमीटर है। ये जो जी के नाम से दिख रहा है ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है, हमने अपनी क्लासेज में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि वो डिफ्लेक्शन को बताता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, वो मेरे डिफ्लेक्शन को बताता है बच्चों। अगर कोई भी कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है तो उसे कौन बताता है, मेरा गैल्वेनोमीटर बताता है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं इसको बच्चों। इस मैं क्या ले रखा, स्विच ले रखा। जैसे ही मैंने इस स्विच को क्लोज किया, जैसे ही मैंने इस स्विच को क्या किया बच्चों, क्लोज किया। स्विच को क्लोज करने के वजह से क्या हुआ कि इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ। अगर कॉइल, इस वाली कॉइल में अगर करंट फ्लो हुआ ना, तो तुरंत ही हमने देखा कि इस वाली कॉइल में करंट जनरेट हुआ। करंट जनरेट हुआ कैसे पता चलेगा, ये गैल्वेनोमीटर ने एक साइड को डिफ्लेक्शन दिखा दिया। जैसे ही मैंने बच्चों ये स्विच को यहां क्लोज किया, करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट इस कॉइल में फ्लो हुआ, और यहां स्विच ऑन करते ही इस गैल्वेनोमीटर ने भी डिफ्लेक्शन शो किया। मतलब यहां स्विच ऑन करते ही इस वाले कॉइल में भी क्या आया, तुम्हारा करंट इंड्यूस हुआ। लेकिन बच्चों कहानी यही नहीं रुकी, कहानी यही नहीं रुकी, कहानी में अंतर हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद देखा हमने, यहां लिखते भी रहता हूं, एज स्विच इज क्लोज्ड, जैसे ही स्विच क्लोज्ड हुआ करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल बी, कॉइल बी में करंट इंड्यूस हुआ, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन भी शो किया, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। लेकिन बच्चों की कहानी यहीं तक समाप्त नहीं हुई, बट टाइम के साथ देखते गए यार हम, ये करंट यहां से अभी भी फ्लो हो रहा है लेकिन ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं बचता। ये करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं बचता। तुमने जैसे ही ऑन करा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ था, ये डिफ्लेक्शन वापस आ गया, करंट अभी भी फ्लो हो रहा है। ध्यान देना बात को, करंट फ्लो होते जा रहा है लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं बचा। थोड़े टाइम बाद देखोगे ये गैल्वेनोमीटर अपनी जगह आके रुक जाएगा। जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, करंट अभी भी फ्लो हो रहा है लेकिन ये गैल्वेनोमीटर इधर की तरफ आ गया। समझ गए, ये बात को ध्यान रखना, क्या कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, मेरा करंट हुआ कॉइल बी में इंड्यूस हुआ, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू सेकंड,
देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आया। करंट अभी भी फ्लो हो रहा है बच्चे। थोड़ी देर में हमने क्या किया, अपने सर्किट को बंद करने की कोशिश करी, मतलब सर्किट को ओपन सर्किट बनाने की कोशिश करी, मतलब इस स्विच को ओपन करने की कोशिश करी। जैसे ही मैंने स्विच को ओपन किया बच्चों, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। हुआ क्या, जैसे ही मैंने पहले स्विच को क्लोज किया डिफ्लेक्शन आया, थोड़ी देर बाद डिफ्लेक्शन जीरो। जैसे ही अब मैंने इस स्विच को ओपन करने की कोशिश करी, मतलब करंट को फ्लो कराना बंद किया, वैसे ही इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। लेकिन अभी जो डिफ्लेक्शन आया वो उल्टी डायरेक्शन में आया। ठीक है, ध्यान देना, पहले स्विच को क्लोज किया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आया, थोड़ी देर बाद करंट फ्लो हो रहा है लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम स्विच को हम बंद कर रहे हैं, वैसे ही इस वाले गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एज वी क्लोजेस द स्विच, एज वी ओपन द स्विच, अगेन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट। लेकिन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और थोड़ी देर बाद फिर से सेम कहानी होगी, एंड अगेन स्टॉप दिस डिफ्लेक्शन आफ्टर फ्यू सेकेंड। क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान देना, जैसे ही मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं, जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, स्विच को ऑन कर रहा हूं, मेरा स्विच को क्लोज करने से मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल डेली लैंग्वेज में हम स्विच को ओपन करते हैं, मतलब वो हुआ, थोड़ा सा फिजिक्स में अंतर। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज करा वैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नीलबट्टा शून्य। लेकिन बच्चों थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, इस स्विच को ओपन करने की कोशिश करी। जैसे ही मैंने स्विच को ओपन किया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन दूसरी साइड में डिफ्लेक्शन हुआ और कुछ देर बाद ये डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो बच्चों यहां तक किसकी बात समझ में आई, वो कमेंट करके यस लिखो। यहां तक जिसकी बात समझ में नहीं आई वो कमेंट करके नो लिखो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। यहां तक किसके समझ में आई बात वो यस लिखो, जिसके समझ में नहीं आई वो नो लिखो। किसके समझ में आई बात यहां तक वो यस लिखो वरना नो लिखो। कमेंट बी फास्ट। यहां तक बात समझ में आई, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू। पारस, ओके, बाकी बच्चों को भी समझ में आया या बाकी बच्चे लेक्चर छोड़ के चले गए? आई थिंक बाकी बच्चे लेक्चर छोड़ के चले गए। हाँ,
क्या कोई और भी बच्चा यहाँ है? ओके नो प्रॉब्लम, बाकी के बच्चे देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, नो नीड टू वरी, मैं लेक्चर कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने देखा तो बच्चों इन चीजों को देख के मैं कुछ चीजें कंक्लूड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वो चीज जो कंक्लूड कर रहा हूं मैं इतनी बातों को देख के, वो चीज ये है कि जैसे ही सर्किट में अपने स्टार्टिंग और स्टॉपिंग करूंगा करंट की, तो मेरे दूसरी कॉइल में करंट जनरेट होगा। देखो जैसे ही मैंने यहाँ करंट को स्टार्ट करना शुरू करा, मेरी दूसरी कॉइल में करंट फ्लो हुआ क्या? जैसे ही मैंने इस कॉइल में करंट को स्टॉप करने की कोशिश करी, इस कॉइल में करंट जनरेट हुआ क्या? सो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कंक्लूजन, यहां से क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास? कंक्लूजन तो यही निकला, एज वी स्टार्ट और स्टॉप द करंट इन कॉइल, जब एक कॉइल में करंट को या स्टार्ट करें या स्टॉप करें तो दूसरी कॉइल में मेरा करंट जनरेट होता है। स्टार्ट और स्टॉप द करंट इन वन कॉइल, देन द करंट is induced in, then the current is induced in another coil. तो दूसरी कॉइल में बच्चों मेरा क्या होता है? करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है? यही है बच्चों, यही है म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। बाद में जाके इसे म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से पढ़ोगे, वो बाद की क्लासेज में पढ़ोगे, ठीक है? हमने यहां देखा कि जब एक कॉइल में हम करंट को स्टार्ट या स्टॉप करते हैं तो दूसरी कॉइल में हमारा क्या होता है? करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। कॉइल ए को, कॉइल ए इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में हम करंट को बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं वो कॉइल प्राइमरी कॉइल कहलाती है। इसमें देखो कॉइल ए में हम करंट को क्या कर रहे हैं? शुरू करा रहे हैं और बंद करा रहे हैं। जिस वाली कॉइल में तुम्हारा करंट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कॉइल इन विच करंट इन इज इंड्यूस्ड, कॉइल इन विच करंट इज इंड्यूस्ड, जिसमें करंट मेरा इंड्यूस्ड होता है वो वाली कॉइल क्या होती है? That coil is known as secondary coil. उस वाली coil को क्या नाम देते हैं हम? Secondary coil. Primary coil समझ में आई, secondary coil समझ में आई, ठीक है? ध्यान रखना बच्चों ये बात, ठीक है? अभी तक के पिछले के टॉपिक्स में बच्चों हमने देखा था कि मैग्नेट था मेरा, मैग्नेट को या तो हमने क्या करना पड़ रहा था? मूव करना पड़ रहा था, या मेरी कॉइल को मूव कर रहा था, मतलब एक रिलेटिव मोशन था। रिलेटिव मोशन था या नहीं था? क्या यहां हमने कॉइल ए और कॉइल बी को मूव करा क्या? नहीं करा, किसी को मूव ही नहीं करा हमने। बिना मूव करे हमने क्या करंट को इंड्यूस करा दिया दूसरी कॉइल में? हाँ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि विदाउट रिलेटिव मोशन करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन कॉइल। बच्चों ये प्रिंसिपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो मूव कराने वाला जनरेटर में काम आ रहा था ना, वैसे ये भी काम आता है। अभी बताता हूँ कहाँ काम आता है। विदाउट रिलेटिव मोशन ऑफ करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यहाँ बिना किसी रिलेटिव मोशन के मैंने कॉइल में क्या कर दिया? करंट को इंड्यूस करा दिया। यहां तक समझ में आया?
ब्लैक बोर्ड सॉरी ऑन आ रहे हैं पारस, अब आ रहे हैं विजुअल्स। आ रहे हैं विजुअल सब पारस? आई थिंक देयर मे बी प्रॉब्लम विद द इंटरनेट बट कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज इन द लो विजुअल। ओके कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते कंटिन्यू? यस नो कैन वी कंटिन्यू? ओके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जहां भी करंट इंड्यूज हो रहा था उसमें रिलेटिव मोशन का रिक्वायरमेंट था, लेकिन यहाँ रिलेटिव मोशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चों एक्चुअल में मैं समझाता हूं कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण करंट इंड्यूज हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण मेरा करंट यहाँ इंड्यूज हो रहा है, ठीक है। चलो देखना, ये एग्जैक्टली कुछ पहले के तरह सिमिलर है। एग्जैक्टली कुछ पहले के तरह क्या है? सिमिलर है। देखना पहली कंडीशन में ध्यान से, क्या पहली कंडीशन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ? इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ मतलब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो किसका मतलब यही हुआ क्या कि इस वाली कॉइल में अचानक से मैग्नेट को फेंकना, क्योंकि देखो अभी तक ये कॉइल बस ऐसे ही रखी हुई थी, कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने करंट को स्टार्ट करना, करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करा, क्या तुरंत एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ? मतलब ये हुआ कि ना मैग्नेट को फेंकना उसकी तरफ हुआ या नहीं हुआ? हाँ ये एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। ओपनिंग द या ऐसा लिखो स्टार्टिंग द फ्लो ऑफ करंट बंद कर दे रहे, मैग्नेट बंद कर दे रहे मतलब झटके से बाहर निकाल रहे हैं, तो झटके से मैग्नेट को बाहर निकाल रहे। क्या पिछले केस की जैसा है सिमिलर कि मैग्नेट को अंदर और मैग्नेट को बाहर करना, और थोड़ा सा दिखाया अलग तरीके से करंट के फॉर्म में, ठीक है। वो एक्चुअली वही रहा, यहाँ से करंट भी स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, झटके से मैग्नेटिक फील्ड बना मतलब मैग्नेट अंदर जा रहा है, जैसे ही करंट को बंद करा झटके से मतलब मैग्नेट खत्म हुआ मतलब मैग्नेट बाहर निकल रहा है। सही कंडीशन, स्टॉपिंग द करंट, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट इज सिमिलर टू पुलिंग बैक द मैग्नेट, पुलिंग बैक द मैग्नेट From the coil, ठीक है। चलो इतनी सी बात क्यों बताए? चलो बच्चों ध्यान देना जरा, दिक्कत यहां कहीं नहीं होगी। अगर मैं कॉइल ए को यहां मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है, कॉइल ए को मैंने किससे कनेक्ट किया है? बैटरी से कनेक्ट किया है। अगर इसी कॉइल ए को मैं अल्टरनेटिंग करंट से
अगर मैं इसी करंट को क्या कर दूं, इसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोल दूं, अगर इसी को मैं अल्टरनेटिंग करंट भेज दूं, अभी कैसे बैटरी भेजी है, बैटरी डीसी करंट जा रहा है, हमने पढ़ा है बच्चों डीसी करंट में तो करंट की डायरेक्शन ही नहीं बदलती, लेकिन बच्चों अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट भेजूं, लेकिन क्या करूं, अल्टरनेटिंग करंट भेजूं, नाउ इफ द सोर्स ऑफ करंट इज एसी, नाउ इफ द सोर्स ऑफ करंट इज एसी, तो एसी करंट के भेजने के वजह से क्या होगा, नाउ इफ द सोर्स ऑफ करंट इज एसी, अगर एसी करंट भेजूंगा, एक बार बंद होता है करंट, एक बार खुलता है, 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ज बार बंद होगा, 50 हर्ज बार खुलेगा, तो इसमें भी क्या उसी वे में मेरा करंट जनरेट हो जाएगा, नाउ इफ द सोर्स ऑफ करंट इज एसी, देन एसी करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन कॉइल बी, एसी करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन कॉइल बी, कॉइल बी में भी कैसा प्रोड्यूस करंट हो जाएगा, एसी करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन कॉइल बी, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होगा समझ गए ना बच्चों, एसी करंट मतलब एक सेकंड में 50 बार बंद हो रहा है, 50 बार खुल रहा है, तो ये बंद होना खुलने बंद खुलने से ही तो बी में करंट जनरेट हो रहा है, तो बी में भी कैसा जनरेट हो जाएगा करंट, तो बी में भी कैसा करंट जनरेट हो जाएगा बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन बता देता हूं कि इसकी एप्लीकेशन कहां यूज होती है, इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह यूज होती है बच्चों, मेजर एप्लीकेशन इसकी होती है ट्रांसफार्मर में, मेजर एप्लीकेशन इसकी कहां यूज होती है बच्चों, ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ोगे, टीवी में भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है, बिजली के पोल में भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम करंट को स्टेप डाउन और स्टेप अप करते हैं, ठीक है, करंट को स्टेप डाउन और स्टेप अप करने की एप्लीकेशन में काम आता है, ठीक है, टीवी सेट्स में लगा होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह लगा होता है, ये डिपेंड करता है कि इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस कर रहे, कि मेरी प्राइमरी कॉइल में वाइंडिंग कितनी है, मेरी सेकेंडरी कॉइल में वाइंडिंग कितनी है, बाद में पढ़ेंगे इस चीजों को, यहां तक समझ में आया यहां तक समझ में आया बच्चों, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग टू कॉइल समझ में आया, सर योर वॉइस इज टर्निंग ऑफ आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली, आई थिंक इज द प्रॉब्लम विद द इंटरनेट, इट मे बी प्रॉब्लम विद माय इंटरनेट, इट मे बी प्रॉब्लम विद योर इंटरनेट, but we don't have any other option, okay, yahan tak samajh mein aaya bachcho, please comment yahan tak complete hua, yahan tak complete hua, electromagnetic induction by using two coil, पूरा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल, इज एनी ऑफ द स्टूडेंट ऑनलाइन, क्या कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, आफ्टर गैल्वेनोमीटर, डोमेस्टिक वाला पढ़ाऊं, कोई बात नहीं, जब वीडियो को तुम रिवाइंड करके बाद में देखोगे तो तुम्हें दोबारा समझ में आ जाएगा, वीडियो पूरा लोड हो जाता है,
नो प्रॉब्लम विथ इट। मेरा वॉइस बंद हो गया था, नहीं मेरा माइक तो खुला था तो मेरा वॉइस तो बंद नहीं हुआ होगा। अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? थोड़ा सा ये तो इश्यू रहता है इसमें कि मैसेज को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई नहीं वी कैन एडजस्ट। चलो ठीक है फिर, अभी जब बाकी बच्चे हैं नहीं तो डोमेस्टिक वायरिंग वाला मैं कल पढ़ाऊंगा। वैसे डोमेस्टिक वायरिंग वाला कुछ नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, तो किसी दिन एक दिन एक्स्ट्रा दिन कर लेंगे किसी दिन बुला के संडे के दिन। ओके आज के लेक्चर में अभी पूरा कर दे डोमेस्टिक वाला फिर। डोमेस्टिक वायरिंग वाला पूरा कर दूं? संजना सिंह यस। पारस डोमेस्टिक वायरिंग वाला पूरा करते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। ओके कोई नहीं डोमेस्टिक वाला पूरा करते हैं, ये तो बच्चों के समझ आ ही गया है। चलो तो। मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा, भीड़ में खोया रहता है पूछो तो बस इतना कहता है। दिल इज बेटर ब्रेक फ्रॉम दिस एम्प्टीनेस। बच्चों गाना कैसा गाता हूँ मैं? हाँ गाना कैसा गाता हूँ कमेंट करके बताओ। There is a better place from this emptiness। चलो स्टार्टिंग करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स बच्चों, ये टॉपिक मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारा सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है ये टॉपिक इसीलिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि शॉर्ट का मतलब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए सफिशियंट है, मतलब एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। ठीक है और बुकों में भी इतना नहीं है। हाँ लेकिन जो तुम्हारी एशान वाली है उसमें थोड़ा एलोबोरेट करके देते हैं चीजों को। अच्छा पारस तेरे से अच्छा गाना गाता हूं मैं, संजना से तो अच्छा गाना नहीं गाता हूँ। संजना तो डांसर भी है और सिंगर भी है, मॉडल भी है, ये तो एक्टर भी है मैंने सुना है ये खतरनाक वाली। है संजना एक्टर भी है क्या तू? एक्टिंग वक्टिंग भी करने आती है तेरे को?
चलो बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर डोमेस्टिक वायरिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारे पावर स्टेशन पे, हमारे पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हमारे घर तक दो वायर्स के कारण लाई जाती है। दो वायर्स के थ्रू हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी लाई जाती है। हाँ कौन, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, 5 मिनट में। आठ वाले बच्चे नहीं, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है अभी रुको रुको, 2 मिनट में आ रहा हूँ बच्चों वापिस। चलो बच्चों दोबारा स्टार्ट करते हैं, यार कोई आ गया था मुझे डिस्टर्ब करने। कहाँ से लेके आया, कौन से? आई एम लाइव इन यूट्यूब। कहाँ गए वो? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के टॉपिक में थे। मैंने बताया था कि जो हमारे ये डोर बंद कर, जो हमारे पावर स्टेशन हैं, हमारे पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो अक्सर दो वायर्स के कारण लाई जाती है। दो ही वायर होते हैं उसमें। तुमने देखा होगा यार तुम्हारे पोल में जो वायर लगी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल होगा तुम्हारी कॉलोनी में, उससे एक ब्लैक कलर का वायर निकालते हो तुम। कभी उस ब्लैक कलर के वायर को काट के देखना, उस ब्लैक कलर के वायर के अंदर तुम्हें दो कलर के वायर देखने को मिलेंगे। ये दो कलर के वायर, एक होता है ब्लैक कलर का, दूसरा वायर होता है रेड कलर का। एक वायर कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। दूसरा वायर होता है तुम्हारा रेड कलर का। जनरली जो ये वायर होते हैं बच्चों, कौन सा ली बच्चों? जनरली। जनरली ये जो वायर होते हैं ये या तो कॉपर के बने हुए होते हैं या एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। तुम तो बोलोगे सर वो तो रबर का वायर होता है। बेटा उसके बाहर से रबर की कोटिंग लगी होती है। ठीक है, ब्लैक कलर के रबर के वायर के अंदर एक ब्लैक कलर की वायर रहती है, एक रेड कलर की वायर रहती है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दिखाता हूं। कैन यू प्लीज पुल दिस वायर फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर? यू कैन एडजस्ट दैट वायर फ्रॉम देयर। उस क्लिप से बाहर निकाल दो उस वायर को। हाँ ठीक है। देखो बच्चों, अगर कभी तुम्हारे घर पे जो वायर आ रही होगी, अगर उस वायर को भी तुम हटाओ और अंदर से खोल के देखो, तो ये दो वायर के थ्रू आती है इलेक्ट्रिसिटी। एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है। इसमें से एक वायर मेरा क्या होता है?
लाइव वायर होता है और एक वायर होता है मेरा न्यूट्रल वायर। जिस वाले वायर में रेड इंसुलेशन होती है ये वाला वायर मेरा लाइव वायर कहलाया जाता है। जिस वाले वायर में मेरी रेड इंसुलेशन होती है ये वाला वायर मेरा क्या कहलाया जाता है, तुम्हारा लाइव वायर। बच्चों लाइव क्यों अभी बताते हैं, ठीक है। और जो उनसे वायर में बच्चों ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, इस वायर को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा न्यूट्रल वायर है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर है। ब्लैक कोटिंग वाले वायर को मैंने क्या बोल दिया, न्यूट्रल वायर। रेड कलर की कोटिंग वाले को हम बोलते हैं तुम्हारा क्या, रेड वायर। बच्चों जो ये ब्लैक इंसुलेट, ये ब्लैक कलर से इंसुलेटेड रहता है, ठीक है, ये को लाइव वायर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितना भी करंट होता है वो सारा का सारा करंट इसी लाल वाले वायर में होता है। कभी अगर तुम ब्लैक वाले वायर को ऐसे पकड़ भी दो तो तुम्हें कभी कुछ होगा ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ब्लैक वाली वायर रहती है ये जीरो पोटेंशियल पे रहती है। ब्लैक वाली वायर कितने पोटेंशियल पे रहती है, जीरो पोटेंशियल पे रहती है। और रेड वाली वायर कितने पोटेंशियल पे रहती है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे रहती है। हमारे घर पे जो लाइट आती है वो भी 220 वोल्ट पे आती है। सर वेयर इज अर्थ वायर, एक्चुअली अर्थ वायर को हम बाद में कनेक्ट करते हैं। अर्थ वायर बात साथ साथ चलती है लेकिन उसको बता रहे हैं अर्थ वायर भी आती है, उसको साथ साथ कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग वायर हर किसी चीज में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अर्थिंग वायर तुम्हारी मीटर से कनेक्टेड होती है। देखो तुमने एक बार कभी देखा है कि बाहर से अर्थिंग वायर लगाते हैं, उस काले वायर के अंदर हमेशा दो वायर होते हैं, तीसरा वायर नहीं होता, ठीक है। चलो जो तुम्हारा रेड वाला वायर है ये लाइट वायर होता है, ब्लैक वाला वायर होता है न्यूट्रल वायर। रेड वाले वायर को हम रखते हैं 220 वोल्ट में, ब्लैक वाले वायर को हम रखते हैं तुम्हारा कितने वोल्ट में, जीरो वोल्ट में रखते हैं, ठीक है बच्चों। चलो कभी भी बच्चों तुम्हारा रेड वाले वायर में हमेशा करंट रहता है, ब्लैक वाले वायर में कभी भी हमारा करंट नहीं रहता है, ठीक है। चलो मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ हमारे घर पे, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आती है उस तरीके का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलो हमारे घर पे बच्चों हमेशा देखा होगा कि दो तरीके के सर्किट दिए जाते हैं, एक दिया जाता है 5 एम्पियर का सर्किट, दूसरा दिया जाता है 15 एम्पियर का सर्किट। हमारे घर पे क्या दिया जाता है, दो टाइप के कनेक्शन दिए जाते हैं मेन स्विच से, एक दिया जाता है 5 एम्पियर का सर्किट, दूसरा दिया जाता है 15 एम्पियर का सर्किट। व्हाट इज पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ा था पोटेंशियल आई विल टेल देम लेटर अबाउट द पोटेंशियल, ओके नो प्रॉब्लम अबाउट द पोटेंशियल। पोटेंशियल एक्चुअली होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हमारा फ्लो होता है करंट। V इक्वल टू IR पढ़ा है ना, ओम्स लॉ, जो V है वहां पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज जो तुम बोलते हो वही पोटेंशियल है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमारे घर पे बच्चों हमें दो टाइप के सर्किट देखने को मिलते हैं, एक होता है 5 एम्पियर का सर्किट, दूसरा होता है मेरा 15 एम्पियर का सर्किट। 5 एम्पियर का जो सर्किट होता है वो मेरा लाइटिंग पर्पज के लिए यूज होता है, और जो 15 एम्पियर का सर्किट होता है वो मेरा यूज होता है तुम्हारे पावर सर्किट के फॉर्म पे। जैसे बच्चों तुम बोलते ना यार ये छोटा डब्बा है या बड़ा डब्बा है, हाँ वो बड़ा वाला होता है 15 एम्पियर का, उसमें तुम बड़ी बड़ी चीजें लगाते होगे, जैसे गीजर लगाते होगे, एयर कूलर लगाते होगे, वॉशिंग मशीन लगाते होगे, उसके लिए एक अलग सर्किट होते हैं, 15 एम्पियर के स्विच होते हैं, ठीक है। चलो बच्चों हमेशा ध्यान रखना हर एक सर्किट का एक अलग अलग स्विच होता है, अभी पढ़ाता हूँ आगे मैं सर्किट बना देता हूँ कैसा होता है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वहां से इस तरीके से मेरा ये मीटर है, घर का मीटर है ये, इस मीटर में मेरा बच्चों लाइव वायर आती है। क्या आती है, मेरी लाइव वायर आती है, और यहां से मेरा ये न्यूट्रल वायर चलता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी
बोर्ड का फ्यूज है, जो बोर्ड का फ्यूज लगा होगा। और हमेशा बच्चों फ्यूज को हम लगाते हैं तुम्हारे लाइव वायर में, कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगाया जाता। कभी भी किस में नहीं लगाया जाता? न्यूट्रल वायर में। ऊपर वाला वायर में लाइव वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे वाला वायर मेरा क्या है? न्यूट्रल वायर है। ऊपर वाला वायर मेरा लाइव वायर है, नीचे वाला वायर मेरा कैसा वायर है? न्यूट्रल वायर है। ठीक है, चलो ये वायर आए यहां से, ये मेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे गए। ठीक है, यहां से ये आए और दोनों वायर किस में गए? मेरे घर के मीटर में गए। ठीक है, ये मेरे घर का मीटर है, जो भी मैं चलाऊंगा वो यहां से आएगा। ऊपर वाला वायर मेरा लाइव वायर है, नीचे वाला मेरा क्या है? न्यूट्रल वायर है। बच्चों इनके साथ साथ एक अर्थिंग वायर चलते रहती है। अर्थिंग वायर एक अलग पर्पज है, उस अर्थिंग वायर का सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा अभी। इनके साथ साथ क्या चलते रहती है? मेरी अर्थिंग वायर, जिसकी बात पारस करता है। ठीक है, अर्थिंग वायर का काम भी बताऊंगा, ये अर्थिंग वायर क्यों रहती है। ठीक है, अर्थिंग वायर तुम देखते होगे कि पोल के बाद लगे रहती है जनरली। ठीक है, अलग से ही दिए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होती है। इसके बाद इससे मेरा ये वायर आया, ये कौन सा वायर है मेरा? न्यूट्रल वायर। यहां से मेरा कौन सा वायर आया? लाइव वायर। यहां पर को ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से कनेक्टेड होंगे। यहां पर तो मेरी कौन सी यूनिट है? एक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है। ठीक है, मेरी इस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से डिफरेंट डिफरेंट चीजें कनेक्टेड है। मेरी इस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से क्या है? डिफरेंट डिफरेंट चीजें कनेक्टेड है। ये देखो, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टेड है। हर एक सर्किट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ न्यूट्रल वायर? ठीक है बेटा, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक वायर से थोड़ी ना दे सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस एक वायर से मिल थोड़ी ना आता है, दो वायर के थ्रू आता है। घर पे कोई भी तार उठा के देख ले, दो तार होते हैं, कभी सिंगल तार थोड़ी ना लगाते हैं। एक में तेरा करंट रहता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम अपने बाद हायर क्लासेज में कि इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से फ्लो होती है। तुमने अपनी पानी देखा, पानी हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फ्लो होता है, वैसे ही करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक वायर में कभी करंट फ्लो नहीं हो सकता सर्किट में। बच्चों ये देखो, मेरा यहां से न्यूट्रल वायर निकल, सॉरी ऊपर से मेरा लाइव वायर निकल रहा है, नीचे से न्यूट्रल वायर। मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को किस में कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है। जितने भी सर्किट मेरे घर में लगे रहते हैं, मेरे घर पे सारे के सारे सर्किट किस में लगे रहते हैं? पैरेलल में लगे रहते हैं। पैरेलल में क्यों लगे रहते हैं? मैंने इनका अपने जो बच्चों को मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि क्यों मेरे सारे सर्किट पैरेलल में लगे रहते हैं। पैरेलल में लगने का सिग्निफिकेंस क्या है हमने पढ़ाया था। अगर पैरेलल में ना लगाएं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ठीक है, अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले में डिस्कस किया था, दोबारा से बता देता हूँ बच्चों। लेट अस सपोज दैट अगर पैरेलल में ना लगाए, अगर सीरीज में लगाए होते, तो अगर मेरा पहला सर्किट खराब होता तो मेरा सारे सर्किट खराब हो जाते, मेरा दूसरा सर्किट खराब होता तो मेरे सारे सर्किट खराब हो जाते। इसलिए मैंने कैसी वायरिंग करता हूँ? पैरेलल वायरिंग करता हूँ। अगर ये वाला खराब भी हो जाए, बाकी के दो चलेंगे। इसीलिए हर किसी का अलग अलग स्विच दे सकते हैं हम। ये मेरे घर की वायरिंग हो गई बच्चों, ये लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। यहाँ पर को इसी में हमारे घर में फ्यूज भी लगा रहता है। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है ना तुम्हारे घर के जो बोर्ड होगा उसमें भी, जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है ना बच्चों, ये ऊपर वाला पॉइंट ही तुम्हारा क्या होता है? लाइव वायर होती है। कहाँ गई है? सॉरी, लाइव वायर नहीं, अर्थिंग वायर। जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है ना, यही तुम्हारी क्या है? अर्थिंग वायर। ये ऊपर वाला पॉइंट ही तुम्हारा क्या है? अर्थिंग वायर। देखो, एक इसमें से न्यूट्रल है, दूसरा इसमें से लाइव वायर है।
एक इसमें से न्यूट्रल वायर है, दूसरा इसमें से लाइव वायर है। अगर तुम लाइव वायर को टच करोगे तो तुम्हें करंट लगेगा, तुम न्यूट्रल वायर को टच भी कर लोगे तो तुम्हें कोई करंट नहीं लगेगा। ये कैसा बॉक्स है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में तुम्हारे फ्यूज भी लगा रहता है, ठीक है, फ्यूज फॉर ईच सर्किट है, फ्यूज फॉर ईच सर्किट, हर एक सर्किट के लिए तुम्हारा क्या लगे रहता है, इसमें फ्यूज लगे रहता है, ठीक है। कैसे हमारे घर में बिजली पर पहुंचती है पता चला, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इसमें टीवी लगाई, इसमें पंखा लगाया, इसमें वॉशिंग मशीन लगाई, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, क्यों किया पैरेलल में कनेक्ट, पर पता चला कैसे हमारे घर में बिजली पहुंची पता चला, अर्थिंग वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर पता चला। अर्थिंग वायर के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, अर्थिंग वायर क्या होती है, फ्यूज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है। लेकिन देखा होगा एक लाइव वायर, दूसरी न्यूट्रल वायर, एक अर्थिंग वायर, इतना समझ में आया। अर्थिंग वायर के बारे में और चर्चा करते हैं, समझ में आया। प्लीज कमेंट अगर यहां तक समझ में आया और आगे बढ़े। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। आगे बढ़े पारस, संजना, आगे पढ़ाएं। ओके चलो, आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट। बच्चों अर्थिंग वायर का काम मैंने नहीं बताया है, अर्थिंग वायर का काम बता देता हूं। ये टॉपिक है फॉल्ट एंड सेफ्टी मेजर्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों क्या होता है हमारे घर पे कि कहीं कहीं हमें इलेक्ट्रिक शॉक का दिक्कत रहता है। जैसे मैंने कोई प्रेस ही ले ली, प्रेस की बॉडी कैसी रहती है, मेटेलिक रहती है, तो उस मेटेलिक चीज में ताकि मुझे करंट ना लगे, लेट अस सपोज दैट अगर मैं एक प्रेस का स्ट्रक्चर ही बनाता हूं। अर्थिंग क्यों यूज होती है उसके लिए मैं तुम्हें बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। जरा सा देखना इस फिगर को, क्या इस वाले फिगर को मैं इरेज कर दूं, अब इस वाले फिगर की नेसेसरी नहीं है, ठीक है, इस वाले फिगर को मैं इरेज कर दूं, ठीक है। चलो बच्चों ये सारी चीजें तुम वीडियो को बैक करके पॉज करके देख देख के लिख लेना, ठीक है। चलो क्या बना रहा हूं मैं, एक प्रेस का डायग्राम बना रहा हूं, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो तुम समझ सकते हो। ये क्या है बच्चों? प्रेस है। इसके नीचे का ये हीटिंग एलिमेंट का फिलामेंट रहता है, यहां इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट की वायर रहती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद बच्चों इससे देखना, हमेशा ऐसे ही तो कनेक्टेड रहेगा, इसमें से एक वायर मेरा हमेशा रहेगा न्यूट्रल वायर, ठीक है। इसका तुमने देखा होगा कि ये थ्री प्लग अक्सर ऐसे ही होता है कि एक प्लग होता है, दो प्लग होते हैं, तीन प्लग होते हैं, एक्चुअल में ऐसा ही तो होता है ना कि एक ये होता है, दो होते हैं और ये तीसरा होता है, ऐसा ही होता है ये स्विच। देखो इसमें से अगर मैं सबसे वाले नीचे वाली को ऐसा कह रहा हूं कि ये मेरा प्लग है, ये मेरा क्या है बच्चों? प्लग है, ठीक है। इसमें से एक ये इससे कनेक्टेड हो गया, दूसरा ये इससे कनेक्टेड हो गया, ठीक है। इसकी हेल्प से एक ये वायर ऐसे कनेक्टेड होगी, दूसरी वायर ये कनेक्टेड हो गई, ये सर्किट इनका पूरा हो गया। इतने से भी काम हो जाएगा, अगर हम इतना भी बना दें तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्यों कर दिया, फिर एक्स्ट्रा लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी बच्चों? दिक्कत ही ऐसी है। देखो ये मेरा प्लग हो गया, ये अगर मेरी न्यूट्रल वायर है तो न्यूट्रल वायर को तुम टच कर लो कोई भी दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल वायर को तुम टच कर लो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ऊपर वाली जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ये मेरी लाइव वायर है, अगर कभी भी मैं इस लाइव वायर को टच कर दूंगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। बच्चों अगर गलती से किसी दिन यहां ऐसा हो गया, गलती से किसी दिन देखो ऐसा हो गया कि यहां पर कोई वायर टूट के इस मेटल बॉडी से कनेक्टेड हो जाए, तुम्हें समझ में आ रहा है?
लाइव वायर के साथ क्या हो रहा है? ये लाइव वायर यहाँ पर को पहले ऐसी पूरी थी, ये लाइव वायर मस्त तरीके से जुड़ी थी, लेकिन हमने यूज करते करते क्या हुआ कि गलती से मेरी ये वायर यहाँ पर को टूट गई। टूट गई इन द सेंस का मतलब वो जो उसके बाहर की कोटिंग है वो हट गई। और इस पर्टिकुलर पोर्शन में देखना, इस पर्टिकुलर पोर्शन को जूम करके बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या हुआ कि यहाँ से जो मेरी ये लाइव वायर आ रही थी, इस लाइव वायर ने मेरा इस मेटल बॉडी को टच कर दिया। क्योंकि ये अगर मेटल बॉडी है और किसी ने इस प्रेस का ऐसे हैंडल करेक्ट किया हुआ है, ये इस प्रेस का हैंडल है, ये इस प्रेस की मेटल बॉडी है, मेरे लाइव वायर की कोटिंग टूट के इस वायर इस मेटल बॉडी से चिपक गई है। अब तो मेरी मेटल बॉडी भी कंडक्ट करने लग जाएगी फिर, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो मैंने इस प्रेस को पकड़ा, क्योंकि ये वायर टूटी है, यहाँ से ये पूरा कंडक्टर बना, मेरे को शॉक लगेगा, मेरे को शॉक लग जाएगा। तो इसी शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी मेटल बॉडी से हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ को। इसकी मेटल बॉडी से हम किसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं, इस वाली सप्लाई को, ये जो तीसरा पॉइंट लग रहा है। और ये तीसरा पॉइंट चलते 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 हमने जैसे अपने डोमेस्टिक सर्किट में बताया था ना, वो ऊपर ऊपर से करके हमारे मीटर के थ्रू एक वायर से कनेक्टेड होता है जो हमारे ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि अर्थिंग वायर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर की एप्लीकेशन समझ गए, क्यों हम अर्थिंग वायर को यूज करते हैं, क्या काम होता है अर्थिंग वायर का, कैसे कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है। ठीक है, जो तुम बच्चों 3-पिन प्लग देखते हो, 3-पिन प्लग में जो बच्चों तुम्हारी वायर रहती है वो अक्सर अर्थिंग वायर होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि एक तुम्हारी ग्रीन कलर का इंसुलेशन कवर रहता है। अगर किसी चीज में 3 वायर है, कहीं पर को तुम्हारी 3 वायर है, रेड वाला किसके लिए होगा, तुम्हारा लाइव वायर के लिए, ब्लैक वाला किसके लिए होगा, न्यूट्रल के लिए, ग्रीन वाला किसके लिए होगा, तुम्हारा अर्थिंग के लिए। तीनों का काम समझ गए, किसको पकड़ने में चिपकोगे वो भी समझ गए। क्या यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें, हेलो पारस, गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आई एम गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम द स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्थिंग वायर को हमने पूरा करा बच्चों। फ्यूज के बारे में बताता हूं, तुमने देखा होगा यार आजकल तो जर्नली बच्चों, जर्नली कौन सा ली, जर्नली इलेक्ट्रिक फ्यूज को हमने रिप्लेस कर दिया गया है एमसीबी से। एमसीबी फ्यूज का ही क्या है, नया रूप है। एमसीबी का फॉर्मूला फुल नेम होता है तुम्हारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी से पहले बच्चों फ्यूज होते थे घर पे, तुमने देखा होगा मीटर के बाहर इस तरीके के कुछ ब्लॉक्स लगे होते थे, डब्बे टाइप के, ये फ्यूज होते थे। ये फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सेफ्टी डिवाइस का काम करते हैं। फ्यूज का काम होता है कभी शॉर्ट सर्किट से बचाना, ओवरलोडिंग के केस से बचाना। क्या होती है शॉर्ट सर्किटिंग, क्या होती है ओवरलोडिंग, वो भी पढ़ाएंगे। तो आगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, एमसीबी के बारे में बताऊंगा एमसीबी क्या होती है। जो फ्यूज ऐसा होता है, फ्यूज में एक्चुअली क्या करते हैं, एक वायर को लेते हैं, छोटा सा वायर लेते हैं, उसको दो एंड इसके बीच में ऐसे वायर को कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर को हम हमेशा इस फ्यूज को एक को हम कनेक्ट करते हैं तुम्हारा, इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि ये किससे कनेक्टेड हो, तुम्हारा हमेशा लाइव वायर से कनेक्टेड हो।
किसके साथ कनेक्टेड हो, ये हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्टेड हो मेरा फ्यूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है ये, एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका जो वायर होता है या तो टिन का बनाया जाता है या फिर लेड का बनाया जाता है। इसका जो वायर हम लगाते हैं इसके अंदर, या तो वो टिन का बनाया जाता है या फिर लेड का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है टिन का, क्यों बनाया जाता है लेड का, इसका भी एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है। क्योंकि टिन और लेड का जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो कम रहता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन कुछ ऐसी होती है कि जैसे ही करंट ज़्यादा हो तो ये वायर जल जाए। इसकी एप्लीकेशन कुछ ऐसी होती है जैसे ही मेरा करंट ज़्यादा हो ये वायर मेरा जल जाए। तो मेरा वायर जल जाए कहने का मतलब ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसको जनरली किसका बनाते हैं हम, टिन और लेड का बनाते हैं। और ये थिन वायर होता है जिसको ऐसे हम कनेक्ट करते हैं इस वायर को, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं तुम्हारा ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए। फ्यूज का काम होता है बच्चों ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए, ठीक है। चलो क्या होता है बच्चों, अगर कभी ओवरलोडिंग पढ़ते हैं आगे हम, फिर जाके पढ़ेंगे तुम्हारा शॉर्ट सर्किटिंग। चलो आगे शॉर्ट सर्किटिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग फिर बताएंगे कि ये काम कैसे करता है। देखो जो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है, कहते हैं यार शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो जो ये वायर है, किसी भी वायर के अंदर क्या है, एक न्यूट्रल वायर है, एक लाइव वायर है या नहीं है। कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया, एक लाइव वायर होता है एक न्यूट्रल वायर। कभी कभी क्या होता है कि ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। हो सकता है कि किसी कारण के वजह से ये दोनों वायर एक दूसरे से, वैसे देखा होगा ना वायर तो ऐसे आपस में एक दूसरे से ऐसे फोल्ड रहते हैं या नहीं रहते हैं। दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर ऐसे घूमे रहते हैं, ये एक वायर है तो इसके ऊपर ऐसे दूसरा वायर घूमे रहता है, मस्त तरीके से घुमाए रहते हैं, ठीक है। एक लाइव वायर है एक न्यूट्रल वायर है। बच्चों कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि वो कोटिंग जल जाए और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में कांटेक्ट आ जाए, अगर दोनों वायर आपस में कांटेक्ट आ जाए ठीक है, कोई बात नहीं, बात थोड़ा सा टॉपिक बचा है फिर खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अगर कभी कभी मेरे दोनों वायर क्या आ जाए, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाता है, मेरा जो रेजिस्टेंस हो जाता है सर्किट का वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ चिपक जाए तो उस कंडीशन में मेरा सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, नील बट्टा शून्य। सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाता है जीरो। वी इज इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला। अगर इस आर की वैल्यू जीरो हो रही है तो इस आई की वैल्यू बहुत बहुत लार्ज होती है। अगर आई की वैल्यू बच्चों बहुत लार्ज है तो हमने पढ़ा है कि हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी होती है या नहीं होती है। तो ये बच्चों इसमें हीट भी लार्ज होती है, हीट भी क्या होती है, लार्ज होती है। तो इसके कारण वायर्स के जलने का खतरा रह सकता है, कभी कभी फायर भी लग सकती है। किसके वजह से, इसी हीट के वजह से। तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है, मेरा फ्यूज लगा रहता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, आई लार्ज हुआ, सबसे पहले मेरा ये जो फ्यूज का वायर था, मेरे ये फ्यूज का वायर जल जाएगा, ये जल जाएगा, मेरा सर्किट ब्रेक हो गया, मेरा अप्लायंसेज बज गए। ये काम होता है फ्यूज का, ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग का केस पढ़ते हैं, शॉर्ट सर्किट पूरा हुआ, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जैसे मेरा एक प्लग है, इस प्लग में तुमने मल्टी प्लग लगाया और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लगा दिए। तुमने हीटर भी एक ही में कनेक्ट कर दिया, तुमने अपनी वॉशिंग मशीन भी एक ही में कनेक्ट कर दी, तुमने फोन का चार्जर भी एक ही में कनेक्ट कर दिया, तुमने प्रेस भी एक ही में कनेक्ट। तो इतने सब चीजों को एक साथ कनेक्ट करने के वजह से क्या होगा कि जो तुम्हारा करंट ड्रॉ होगा वो बहुत ज्यादा ड्रॉ होता है। हमने पढ़ा था जितना ज्यादा
चीजें तुम एक में लगाओगे वो उतना ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे। अगर तुम एक ही प्लग में वन प्लग मोर डिवाइसेस, एक प्लग में बहुत सारी डिवाइसेस को लगा दोगे तो मोर करंट विल विड्रॉ, तो ज्यादा करंट क्या होगा, विड्रॉ होगा। अगर ज्यादा करंट विड्रॉ होगा तो इसके वजह से क्या होगा, करंट हाई। अगर करंट हाई हो गया तो फिर से सर्किट के बर्न, फिर से सर्किट के जलने का खतरा होगा। तो उस कंडीशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, फ्यूज लगा देते हैं। अगर करंट ज़्यादा होगा तो ये फिर से ये वायर बर्न हो जाएगा और मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये काम होता है किसका, फ्यूज का। लेकिन आजकल फ्यूज को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, MCB। जो देखा होगा ना, जैसे ही मेरा करंट थोड़ा ज्यादा रहता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो मेरी MCB ऊपर हो जाती है। MCBs का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का काम क्या रहता है, ये एक्चुअली में सर्किट को ब्रेक करने के काम आते हैं। इनकी जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इनकी जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ ये हीट के कारण मेल्ट हो रहे थे, यहाँ ये किसी एक दूसरे रीजन की वजह से मेल्ट हो रहे थे। ये दूसरे जिस रीजन के वजह से कनेक्ट हो बर्न सर्किट को ब्रेक करते हैं, वो रीजन है तुम्हारा फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये MCBs में क्या होता है, MCBs में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है कि अगर तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट से ज्यादा करंट भेजोगे तो ये MCBs में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना सफिशिएंट होता है कि वो एक वायर को पीछे खींच लेता है और वायर को जैसे ही पीछे खींचता है सर्किट ब्रेक होता है और मेरे अप्लायंसेस बच जाते हैं। ये जो पुराने जमाने के फ्यूज थे ये हीटिंग पे बेस्ड थे, आजकल जो बेस्ड है MCB वो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो उससे करंट जाता है, अगर ज्यादा करंट जाएगा वो करंट इतना सफिशियंट होता है कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे खींच लेता है, ठीक है। चलो दिस इज द एंड ऑफ योर यूनिट, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आएगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसी के साथ तुम्हारा मैग्नेटिज्म का चैप्टर समाप्त हुआ, कल हम तुम्हारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और परसों हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, लीव करें क्लास पारस। चलो बंद करते हैं, ठीक है लेक्चर। ओके लेट्स फिनिश इट नाउ, काफी पढ़ लिया ठीक है आज। ओके देन बाय बाय।